नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान को अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ मिल चुका है। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार सरकार ने अंबेडकर छात्रावास को खाली करवाने का नोटिस भेजा था, इसको लेकर चिराग पासवान कुछ दिन पहले अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर बोला था। उन्होंने कहा था कि ये सरकार पिछड़े वर्ग की विरोधी और यही वजह है कि सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के नाम पर दलित बच्चों के साथ इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान के समर्थन में उतर चुके हैं। आपको बताएं कि ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ सीधे सवाल जो है वो सरकार पर उठाए गए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए गए हैं कि आखिर ये सरकार अति पिछड़े वर्ग का विकास क्यों नहीं होने देना चाहती। आपको बताएं कि बिहार सरकार की तरफ से अंबेडकर छात्रावास को ये नोटिस भेजा गया था कि जल्द से जल्द छात्रावास को खाली करवाया जाए ताकि सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम वहां पर हो सके। बता दें कि छात्रों में इस बात को लेकर जो है उनको डर सता रहा है कि साफ सफाई के नाम पर उन्हें छात्रावास से निकाल दिया जाएगा और दोबारा उन्हें उस छात्रावास में प्रवेश करने की जो इजाजत है वो नहीं मिलेगी। और इसी को लेकर उन छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया जिसमें प्रशासन की तरफ से जो है वो लाठी चार्ज किया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान जो है वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे, उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि आपके साथ हम कुछ भी गलत जो है वो होने नहीं देंगे। बता दें कि चिराग पासवान हमेशा से ही दलित के जो है समर्थन में उतरते रहे हैं, दलित के नेता थे रामविलास पासवान। ऐसे में जिस तरह से दलित छात्रों के साथ बिहार सरकार ने इस तरह के फैसले लिए उसको लेकर अब बिहार की सियासत जो है वो अब गरमाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब चिराग पासवान को तेजस्वी यादव का समर्थन मिल चुका है, उनका सपोर्ट मिल चुका है और यही वजह है कि ये जो ट्वीट है वो करते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे अपना समर्थन जो है वो चिराग पासवान को देते हुए कहा है कि ये सरकार जो है वो दलित छात्रों के विरोध में फैसले लेती है और यही वजह है कि साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के नाम पर जो है इस तरह के फैसले केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अब समर्थन जो है वो चिराग पासवान को तेजस्वी यादव का मिल चुका है और ये पहली बार नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ एकजुट नजर आए, एक साथ होने की जो बातें हैं वो भी जो है निकलकर सामने आई। खुद राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव ने कहा था कि चिराग पासवान उनके छोटे बेटे जैसे हैं, ऐसे में वो तो हमेशा से ही उनके साथ है। यानी कि अब ये जो पूरा सपोर्ट है वो चिराग पासवान को लालू परिवार से मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अंबेडकर छात्रावास को लेकर भी अब तेजस्वी यादव खुलकर सामने आ रहे हैं और सीधा सपोर्ट उन्होंने अपना चिराग पासवान को दे दिया है। देखना होगा कि अब इस पर बिहार सरकार की तरफ से जो है क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि नोटिस जो है वो अंबेडकर छात्रावास में भेज दिया गया है, बच्चों को जल्द से जल्द छात्रावास खाली करवाने को कहा गया है। ऐसे में अब बिहार में जो है सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब दलित छात्रों के समर्थन में और उनके सपोर्ट में एक साथ एकजुट होकर उतर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।